नमस्कार। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कुडनी में बीजेपी के जीत पर प्रधानमंत्री को दी बधाई और नीतीश कुमार को लताड़ा। जो चुनाव के नतीजे आए हैं तो उसमें भी मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि देखिए 27 वर्षों के शासन के बाद भी गुजरात में रिकॉर्ड 180 में 156 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। वहीं बिहार में आप जरा देख लीजिए, बिहार में उस सीट 2020 में महागठबंधन के पास थी, राजद ने उस सीट को जीता था और अभी राजद ने दे दिया था जनता दल यू को। जनता दल यू वहां चुनाव लड़ी और आपने देखा जो क्लेम करते हैं कि 7 पार्टी उनके साथ है, लोग कहते हैं कि साहब 7 पार्टी का कहां गया। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आदरणीय केदारनाथ गुप्ता जी हैं वो विजयी रहे और ये स्पष्ट रूप से देखिए इसका क्या संदेश है। जो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनादेश के साथ विश्वासघात किया उसको कुड़नी की जनता ने बहुत ही गंभीरता से और ये समझना चाहिए कि उस समय भी ध्यान लीजिए जो राजद के उम्मीदवार जीते थे उनको करीब करीब 78,500 वोट आए थे अनिल सहनी जी, और अभी जो उनका उम्मीदवार हारे हैं उनको 73,000 वोट आए, 5,500 वोट कम गया जी। पढ़ना चाहिए क्योंकि नीतीश बाबू गए थे एनडीए उनके साथ आ गए। तो ये जो अभी जो चुनाव हुआ कुड़नी उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो इस प्रकार का जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया उसको बिहार की जनता ने नहीं पसंद किया। और एक बात और जरा समझिए कि ये कितना बड़ा झटका है इसलिए भी कि वो सीट किसकी थी, वो सीट थी आरजेडी की और अलायंस में कभी भी कोई सीटिंग सीट अपना नहीं देता है, लेकिन आरजेडी ने सीटिंग सीट दिया। क्यों दिया था? ये सोच करके दिया था कि आगे आने वाले में जब हमको पार्टी दोनों पार्टियों को मर्ज ही करना है तो चाहे जेडीयू लड़े चाहे आरजेडी लड़े। मैंने पहले ही आप लोगों के सामने कहा था कि चूंकि हारना ही है तो आरजेडी ने दे दिया जेडीयू को कि तुम ही हार जाओ। लेकिन ये तो समझने की चीज है कि मैंने बताया ना कि 27 साल शासन के बाद भी गुजरात में 156 सीट आता है और वही बिहार में 2020 में महागठबंधन की सीट थी और वो सीट अब खो दी। तो इसको विचार करने की चीज नहीं है कि काहे ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि सरकार का फोकस कहाँ है। सरकार का फोकस जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर बिल्कुल ही नहीं है। फोकस कहाँ चला गया है? बस वही साहब जो मैं बार बार बोलता हूँ, शराबबंदी फोकस है। जो खटिया बालू की नीति है अभी आप देख लीजिए, जरा नालंदा जिले को ले लीजिए। मैं गया था अभी एक गाँव में, मैंने पूछा कि भाई बालू का क्या हाल है, तो बोला कि साहब जब 2005 में सरकार बनी थी नीतीश बाबू की तो 150 से 200 रुपये ट्रॉली मिलता था बालू, साल भर पहले वो 2,500 था और आज 8,000 रुपये साहब एक ट्रैक्टर बालू की कीमत है। आखिर नालंदा जिला किसान जो भी मजदूर जो भी लोग अपना मकान बनाना चाहेंगे तो कहाँ से पैसा इतना लाएंगे जी? फोकस आपका कहाँ है? आप दिन भर शराबबंदी। मैंने बताया ना प्रतिदिन ये सरकार 55 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान करा रही है। पूरा का पूरा हमारा जो चौधरी समाज है, पासी समाज है, उसके लाखों लोग साहब जेल जाते हैं, गरीब गुरबा लोग जेल जाता है, तो सरकार का तो 55 से 60 करोड़ का नुकसान है ही, साथ बिहार की जो जनता है उनको केस में मुकदमों में उनका भी करोड़ों का नुकसान है। और शराब आज भी बिहार में हर एक गाँव में नीतीश बाबू अपने गाँव में पता कर ले बिक रहा है और प्रतिदिन 55 से 60 करोड़ रुपया का नुकसान है, लाखों गरीब लोग जेल में बंद है, उस पर खर्चा अलग से। बता दीजिए हमको जरा सा एक पॉजिटिव बात बता दीजिए हमको, वो मेडिकल रिपोर्ट छोड़ दीजिए, हम लोग कहाँ शराब पीने के पक्ष में, हम शराब पीते हैं, कोई नहीं पीता है। लेकिन ये जो एक बना लिए हैं आप, बताइए ना बिहार में रोज 55 से 60 करोड़ का नुकसान कौन भरेगा जी? आपकी सब सड़कें खराब हो गई। जरा पूछिए नीतीश बाबू से कि आज राज्य में एक भी नई योजना बना पा रहे हो? आपके पास पैसे नहीं, संसाधन नहीं है कि कोई एक योजना बना पाइएगा। पहले बनाते थे आप, शुरू में आए थे 2005-2010 कितनी योजनाएं बनी, अब क्या हुआ जी? एक योजना बनाने के लिए आपके पास संसाधन नहीं है, संसाधन को स्रोत नहीं है। देखिए एक बार बता दें, इनके जो आसपास बैठते ना लोग, बहुत पहले लोगों ने बलून फोड़ दिए, पिछले वर्ष ही माने इसी वर्ष पूरा का पूरा चला दिए। अब आपने देख लिया ना, अभी देखिए 2 चुनाव हुए, जरा आपने अच्छा छेड़ा है, दिल्ली में लोग चुनाव लड़े एमसीडी का, बड़े उछल कूद करके गए थे, आपको पता है
22 सीट पर लड़े जी, इनके 15 उम्मीदवारों को 500 से कम वोट आए। आप जरा बताइए, और यहाँ तो बिहार में आप देखिए उपचुनाव लड़े हार गए, और जरा 2020 का भी देख लीजिए, कितने जिले से आपके एक विधायक नहीं है, पूरा का पूरा शाहबाद का, पूरा पूरा मगध का एक विधायक है क्या? बहुत सारे जिले में तो एक विधायक नहीं है। और कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, मैं पेपर में देख रहा था कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले बिहार को तो देखिए, बिहार तो बचाइए, जहाँ से आप सिमट रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा। अरे साहब, आप तो मुक्त बिहार, कुढ़नी जनता ने तो जनता दल को वहां से मुक्त कर दिया। अब आप जरा समझिए कि जब जनता दल यू, आरजेडी और साथ मिलकर के भी आप सीट नहीं जीत रहे हैं, तो 2024 में श्रीमान जी आपको बिहार में एक लोकसभा का सीट नहीं मिलने जा रहा जरूरी। तो जब एगो एमपीए नहीं रहेगा तो कहां से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है।